जय हिंद, नमस्कार। कलयुगी माँ ने पांडव कालीन झारखंडी नाथ मंदिर पर अपने जन्म किए गए बच्चे को झाड़ी में फेंक कर चली गई। रात में मंदिर में रह रहे गोसाई बाबा और रात को ड्यूटी कर रहे होमगार्ड व पीआरडी के जवानों को झाली में रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी। तो जब बच्चा वहां मंदिर के झाड़ी के पास देख कपड़े से में लिपटा हुआ एक बच्चा रो रहा था, तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने कब्जे में बच्चे को किया और उसका इलाज चल रहा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धनौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पांडव कालीन मंडी नाथ मंदिर के आड़ी में शुक्रवार की रात करीब 2 बजे नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी और होमगार्ड और पीआरडी के जवानों की ड्यूटी रात में मंदिर में दोनों जवान वहां पर झाड़ियों में पहुंचे तो एक बच्चा उन्हें कपड़े से लिपटा हुआ मिला, जो कि अंदाजा लगा रहे हैं कि बच्चे का जन्म करीब 2 से 3 घंटा पहले हुआ। कलयुगी माँ ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसको झाड़ियों में फेंक गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में किसी व्यक्ति द्वारा पल्सर गाड़ी से कोई व्यक्ति आया था और वह गाड़ी खड़ी करके बच्चे को झाड़ी में फेंक कर चला गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल गिलौला पुलिस को पता चला तो पुलिस ने बच्चे को कब्जे में ले लिया और उसके इलाज के लिए के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। उसकी स्वास्थ्य खराब थी जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उसे किसी बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने की बात। यहाँ पर गिलौला में रह रहे एक महिला कांस्टेबल ने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लाया जा रहा है कि उस महिला कांस्टेबल के पास पहले से 2 लड़कियां और वह कांस्टेबल बच्चे को पाकर बेहद। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि बच्चे के बाप का नाम महिला कांस्टेबल देने को तैयार है। इस संबंध में गिलौला थाना दुगंदर राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे की हालत बहुत ही खराब अवस्था में मिली। यहाँ पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया, वहीं हमारी महिला थाना कांस्टेबल को एक प्रकार से गोद ले लिया है और वह बच्चे के माता पिता में अपना नाम देने को तैयार है। धन्यवाद, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। आप कौन हैं मंदिर के? मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है। मैं झारखंडी मंदिर प्रदेश समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। ये मेरे गांव सवार हमको पर्यावरण चलता है और माता सीता जब इस वन में निवास करती थी तो एक वो माँ थी जो मेरे बच्चों को लेकर के पालन पोषण कर रही थी और जिन परिस्थितियों में मेरे मंदिर के पीछे झाली में जो है नवजात बच्चे को फेंका गया, ऐसी कुपित माँ जो माँ शब्दों को मान कर रही है, ऐसी माँ की मैं निंदा करता हूँ। और ऐसी माँ जो बच्चों को पालन के लिए जो सिपाही ने लिया है, ऐसी माँ को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ कि वो माँ जिसने पैदा नहीं किया वो पालन पोषण के लिए तैयार हो गई है और जिस माँ ने उसको जो है पैदा किया, शव पूर किया और शव पूर करने के बाद उस नवजात बच्चे को मंदिर के पीछे देखा, ऐसे कुपित महिला को मैं भोर भोर निंदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार गोस्वामी है। अच्छा अच्छा, यहाँ आप चूंकि झारखंडी मंदिर है जो अपने गिलौला क्षेत्र नहीं बल्कि श्रावस्ती की मानी जानी पांडव कालीन मंदिर है, यहाँ पे कुछ घटना सामने आई है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या हुआ था, पूरा डिटेल बताएं जी। एक यहाँ पे कल बच्चा रात में कोई रख गया जी, 2-3 घंटा पहले डिलीवरी करवा करके जी, उसके बाद उसको 5 बजे लगभग पता चला। अच्छा, तो उसके बाद मैं लड़का देखा गया तो लड़का स्वस्थ रहा, रोत रहा। उसके बाद मैं 112 पुलिस आए, उसके बाद मैं लड़का को ले गए। अच्छा अच्छा, 112 पुलिस डायल किसने किया था? डायल 112 हमने किया था। अच्छा अच्छा, तो पुलिस आई। अच्छा, रात में यहाँ पे जो भी जिस टाइम में बच्चे को छोड़ा गया किसी के द्वारा, तो क्या पुलिस यहाँ पर रहती थी या नहीं रहती है? कुछ ड्यूटी वगैरह भी यहाँ पे पुलिस की है पता लग रहा है? होमगार्ड एक पीआरडी का ड्यूटी थी। अच्छा अच्छा,
वो थी, लेकिन वो स्थान कहाँ का है जो मतलब जहाँ पे बच्चा छोड़ा गया था? झारखंडी मंदिर। झारखंड नहीं, झारखंडी मंदिर के किस साइड में मंदिर प्रॉपर? के पच्छू साइड पे जो आरसीसी रोड आती है उससे उतरा के कम से कम 5 मीटर दूरी पे था। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे कैसे किस अवस्था में मिला बच्चा? कपड़ा में लपेटा हुआ मिला, ये रो रहा था तभी जानकारी हुई। अच्छा, रो रहा था, आपको जब रोया तो पता लगा कि बच्चे रो रहा है बच्चा, तो फिर आपने देखा तो किस अवस्था में था बच्चा? उसी में लपटा था कपड़े में, एक पहुड़ा था, पूर्व मोड़ था, पश्चिम मोड़ था। अच्छा अच्छा, चलिए, तो यानी पुलिस लेकर गई उसको? हाँ, पुलिस तो बारह लेकर गई। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।